वो तो बेशरम है। तो भगवा कलर कोई नहीं बोलता कि भगवा कलर सिर्फ साधु पहनते हैं। सांप्रदायिक दंगे होंगे, आप कंटेंट दिखाओ, कपड़े उतारो, सब जाएंगे। उसके लिए विवाद बन सकता है कि हाँ भगवा कलर पहन के उसने डांस को कहा जाए तो न्यूज में आने के लिए या अपने आप को देखने के लिए पब्लिक सपोर्ट के लिए, ये सब विवाद होते हैं। बस चार दिन बाद ये विवाद भी बंद हो जाएगा। जब किसी चीज को हम टॉप पे रखेंगे तो उसके सब्सक्राइबर लाइक तो ज्यादा होंगे, लेकिन कुछ मूवीज तो ऐसी आई जिसमें हमारे हिंदू धर्म का सीधा सीधा अपमान किया गया, हमने उसको बंद किया नहीं किया। पिछले दिनों पठान मूवी का एक सॉन्ग रिलीज हुआ, बेशरम रंग नाम है उस सॉन्ग का। उस पे दीपिका पादुकोण के द्वारा भगवा कलर का ड्रेस पहना गया है। अब उस ड्रेस को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है, साथ ही साथ कई साधु संतों का भी कहना है कि भगवा कलर के ड्रेस पहनने की वजह से हिंदू समाज का अपमान हुआ है। तो ऐसा विरोध जो हो रहा है, आपका सबसे पहले परिचय जानेंगे, उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि ऐसा विरोध हो रहा है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि वो तो बेशरम है पहली बात, और बेशरम मूवी का, बेशरम गाने का आप भगवा पहन रहे हैं, सबसे पहली गलती तो ये है। ऐसा नहीं करना चाहिए, आप नाच रहे हो तो भगवा किसी भी जाति धर्म को आप मान ले चलिए, आप कंटेंट दिखाओ, कपड़े उतार दो, सब जायज है। हाँ। सब जायज है, बट इसमें आप भगवा को किसी धर्म को, इससे लोगों को नुकसान होगा, लोग जातिवाद करेंगे, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, सांप्रदायिक दंगे होंगे, ये सब दूर करने के लिए नहीं। तो मतलब आपके कहने, मेरा नाम अंजलि द्विवेदी है, और एट माय पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो भगवा कलर कोई नहीं बोलता कि भगवा कलर सिर्फ साधु पहनते हैं। अगर ऐसा तो भगवा कलर को ही हटा दिया जाए, सिर्फ साधुओं को पहनाया जाए और लोगों के लिए भगवा कलर ही हटा दिया जाए, देन उसके लिए विवाद बन सकता है कि हाँ भगवा कलर पहन के उसने डांस क्यों किया। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, रूल रेगुलेशन ऐसे तो है नहीं। कलर के पीछे अगर हम लड़ने लगे तो ये कोई पॉइंट नहीं होता। ऐसी कुछ ऐसी बहुत मूवी आई जिसमें कलर के पीछे हम नहीं लड़ सकते। कुछ मूवीज में तो हमारे धर्म को ही गलत बताया है कि हमने उनको बंद किया नहीं किया, तो हम कलर के पीछे कैसे लड़ सकते हैं? कुल मिलाकर के बात ये है कि जो ये विवाद हो रहा है, इसको बेमतलब का विवाद बस कहा जाए तो न्यूज में आने के लिए या अपने आप को देखने के लिए पब्लिक सपोर्ट के लिए, ये सब विवाद होते हैं। बस चार दिन बाद ये विवाद भी बंद हो जाएगा, और ये विवाद इतना बड़ा भी नहीं है कि इसके लिए इतना विवाद किया जाए। अभी जो ये गाना रिलीज हुआ तो दो दिन के अंदर जो है 31 मिलियन इसके व्यूज हो गए, तो कहीं ना कहीं विवाद बढ़ने से। आप बताइए, जब किसी चीज को हम टॉप पे रखेंगे तो उसके सब्सक्राइबर लाइक तो ज्यादा होंगे, चार लोगों से जब हम कहेंगे कि अरे उस गाने पे ऐसा हो तो लोग तो उसको देखने जाएंगे ना, तो व्यूज तो बढ़ेंगे ही ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उस चीज को कंसीडर करें कि ये टॉप पे पहुंच गया तो इसका मतलब इसमें ज्यादा विवाद होने के कारण ये टॉप पे पहुंच गया है। उसमें तो सिर्फ कलर की बिगनी बस पहनी थी उसने, भगवा कलर की। लेकिन कुछ मूवीज तो ऐसी आई जिसमें हमारे हिंदू धर्म का सीधा सीधा अपमान किया गया, हमने उसको बंद किया नहीं किया, तो हम कलर के पीछे इतना विवाद क्यों कर रहे हैं? और इस तरीके के जो विवाद होते हैं, कहीं नहीं कि कहीं जो कंट्रोवर्सीज होती हैं, वो गाने या फिल्म हिट करने का भी एक तरीका कहे जा सकते हैं। हो सकता है कि कंट्रोवर्सी इस चीज की, कि हो सकता है कि अगर ऐसा हम बोले तो वो म्यूजिक में सब्सक्राइबर बढ़े, लाइक कमेंट्स बढ़े और वो गाना ज्यादा हिट हो जाए, जैसे आजकल चलता है। प्रायोजित भी ये विवाद हो सकते हैं कि पहले से तय हो कि ऐसे विवाद करने के बाद जो है, तो ये नहीं जानते, ये तो वो लोग जानेंगे जिसने ये गाना बनाया है। जी। और फिर अगर किया है तो भाई हम क्या कर सकते हैं।